फिर हम लोग गया मेरे साथ एशियन गेम्स गया, फिर वापस आ गया तो छह महीने बेटी तो मेरे को एक वीडियो मिला तब देखा बेटे पैदल चलने शुरू हो रहे है मतलब उसका तो बचपन में तो एकदम मिस किया एक तो हम लोग को भी ऐसे भी फैसिलिटीज भी नहीं है कि मेरा बीवी और बच्चे को लेकर रख लो साथ में फिर प्रैक्टिस में मुश्किल होगा नहीं तो टीम का जो भी एक्टिविटीज में मुश्किल तो वो नहीं कर पा रहा था बच्चे के लिए तो मैं तो मैं ऐसे हूँ सुबह उठ के वो उठ के आता है अरे पापा आ अच्छा आगे खेलता हूँ एक दिन सुबह उठ के देखा पापा है नहीं पापा तो चले गया तब तो वही है लाइफ अभी बट आजकल तो उसको पता है मैं जब भी गाड़ी में बैठता उसको पता है वो कहीं जा रहा है तो उसको पहले काम वो वही करता है कि आगे आके गाड़ी में बैठ जाता है बट इसलिए तो मैं आजकल तो उसका शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ जो आफ्टरनून में जब उसका सोने का टाइम होता है उस टाइम का फ्लाइट ना तो लेट नाइट फ्लाइट ना तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कि मैं उसको मिस ना करें। क्योंकि हमेशा एक चीज एक आ, फील वाली चीज है कि जब आप घर से निकलने के टाइम बेटी रो रो के पीछे भाग रहे गाड़ी के पीछे मतलब मेले तो मुश्किल होता है पहले आके क्या मैं आके पहले दो दिन तक सिर्फ मैं वही घूमता रहेगा कि अरे यार मेरे को भी लेके जाओ पापा मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ एक इमोशनल वाला फीलिंग है बट uh, सोच रहा था कभी कभी लगता है कि हाँ यार मैं वो चीज़ मिस कर रहा हूँ बट uh, क्या बताऊँ हॉकी हॉकी तो लाइफ दी है और उम्मीद बहुत है हॉकी आई मीन लेकिन मेरे से भी और मेरे टीम से भी तो डेफिनेटली मेरे को तो एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल लीड करना चाहिए मेरे टीम को भी क्योंकि समटाइम्स कंट्री कम्स फर्स्ट